हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर सीरीज ऑफ अनदर डैजलिंग सीरीज ऑफ रोड रनर स्टार। रोड रनर स्टार के इस वाले सीरीज में मैं एक बार फिर से हूँ सड़क के किनारे और रात के बज रहे हैं 1:30 से ऊपर हो चुका है, 1:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ इस वक्त रामनगर की तरफ जिम कॉर्बेट। और ये जो सीरीज़ है इसमें आप देखने वाले हैं फाटो जोन में हमने बुक करा ली है। मैं आगे बताने वाला हूँ आपको कि जॉइंट कोलेबोरेशन में ये ब्लॉग बनने वाला है और इस बार मैं फाटो जोन शेयर कर रहा हूँ अश्विनी चहल ब्लॉग्स के साथ। तो अगर आपने अश्विनी चहल ब्लॉग्स नहीं देखा है तो अभी मैं उनसे मिलवाने वाला हूँ, अश्विनी चहल जी से, और थोड़ी देर में बस वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं यहाँ पे दिल्ली वाइब्स होटल एंड रेस्टोरेंट में हूँ। ये जगह है मुरादाबाद से थोड़े से पहले है और मतलब बड़ी ही खूबसूरत सी ये रात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है मुझे, बहुत ही मज़ा आ रहा है और रात में ड्राइव करना ऐसे मुझे अच्छा लगता है। तो इस वाली सीरीज़ में मैं ड्राइव करता हूँ, गुड़गांव से आया हूँ, मैंने गुड़गांव से अपनी बाइक को पिक किया है, वो जयपुर से आई ट्रेन से, उसको मैंने पिक किया स्टेशन जाके और स्टेशन से पिक करके फिर मैं यहाँ पर ड्राइव करता हुआ। तो अब तक मैंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं आपको, कुछ बताया नहीं क्या है कैसे है। अब यहाँ पहुँचा हूँ तो यहाँ पहुँच के फिर मैं आपको इंट्रो कर रहा हूँ कि क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है सीरीज में। रात के बज रहे हैं 2:27, करीब 1:30 के आसपास यहाँ आए थे, 1:30 से थोड़ा सा पहले ही आए थे, 1:15 के आसपास आए थे, अभी 2:30 बज रहा है और अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। और अब जो है प्रॉपर नींद आने का टाइम भी हो गया और यहाँ पे अभी नाइट ड्राइव करते हुए हम लोग यहाँ से चलेंगे और जाके रुकेंगे रामनगर पे। ये चल साहब गाड़ी है, ठीक है, अभी इन्हीं को मैं फॉलो करूँगा, आईनी के रास्ते चलूंगा अभी जैसे जैसे होगा। हाँ कोहरा तो अभी तो फिर भी थोड़ा सा कम हो गया, बीच में तो बहुत ज्यादा था कोहरा। फोन लाइन पे ये थे चहल साहब और अब करीब पूरी रात गाड़ी चलाई है मैंने, अभी सुबह के बज रहे हैं 4:12 और ये अचानक से घना कोहरा आ गया है, शुरू हो गया है घना कोहरा, मतलब अच्छा खासा फॉग दिख रहा है। हालांकि अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे वो फॉग कम है, थोड़ी देर पहले और ज़्यादा फॉग था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और ये अक्टूबर का महीना है और नॉर्मली इस तरह का फॉग एक्सपेक्टेड नहीं होता है इस महीने में, लेकिन अभी फिलहाल तो है। और हम अभी रामनगर बस पहुंचने वाले हैं, 13 किलोमीटर और बीच में फॉग बिल्कुल चला जा रहा है, जैसे अभी बिल्कुल चला गया है, थोड़ी देर पहले बीच में आया था, अभी फॉग बिल्कुल चला गया, बिल्कुल क्लियर है। तो ये रामनगर है और पीछे चहल साहब की गाड़ी है और अभी हम लोग कैरी की तरफ जा रहे हैं एक बार राउंड मारने। तो ये नाइट ड्राइव नहीं है, ये अर्ली मॉर्निंग ड्राइव है, जो आप 4:27 आप देख रहे हैं। मैं कैमरा माउंट कर देता हूँ और धीरे धीरे चलते हैं, देखते हैं उधर क्या क्या माहौल रहता है, मज़ा आने वाला है। तो शायद मैं भी पहली बार इस तरह का कोई कर रहा हूँ, मैंने नाइट ब्लॉग तो बहुत देखे, इस तरह का सुपर अर्ली मॉर्निंग ब्लॉग अंधेरे में मैं भी पहली बार, पता नहीं देखा है या नहीं देखा है, मुझे ध्यान नहीं है, वैसे मैं तो पहली बार बनाने जा रहा हूँ। और इधर से ही एक बार कैरी की तरफ जाएंगे, फिर धीरे धीरे एक बार राउंड मार के कैरी की तरफ, फिर मोहान तक का चक्कर लगा के आएंगे। बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अंधेरे अंधेरे में एक बार वो रास्ता भी कवर कर लें,
क्योंकि एक घंटा करीब है अभी मुझे लगता है सूरज निकलने में। ये यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे रोड पे ऊपर की तरफ, ये कैरी आ जाएगा। एसी बंद करता हूँ तो शीशा खोलता हूँ ताकि कोई अगर कॉल हो तो सुनाई दे। सामने चहल साहब की गाड़ी जा रही है, पीछे पीछे हमारी गाड़ी है। मैंने ये वाला रोड एक बार पहले भी दिखाया हुआ है, लेकिन उस वक्त रात में कवर किया था मैंने, 11:30, 11:12 बजे के आसपास की बात थी। अभी ये और उस समय आई थिंक अप्रैल का महीना था, अक्टूबर का महीना है, जंगल ज़्यादा घना हो रहा है। गाड़ी आगे रोक रहे हैं चहल सा। ओहो हो, एलिफेंट डंग पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, दिख रहा नीचे। हाँ बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल ताज़ा है, मतलब एलिफेंट हो सकता है यहाँ। थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया मैंने उस गाड़ी से। इधर भी ढंग है। देखो जहाँ की गाड़ी रुकी है ना, उनके राइट हैंड साइड में। बाहर निकाल के रिकॉर्ड कर रहे हैं शायद। टहनियाँ टूटी हुई हैं 100% यहाँ पे हाथी है। देखो कैसे टहनी टूट के नीचे गिर गई है, हाथी का ही काम है। ये जो जगह है ये पानी वाली जगह है, यहाँ पे कुछ न कुछ होने के चांसेस होते हैं। गाड़ी को मारे देखो यार, नहीं कुछ ये रास्ता क्या है ना कि ये चलता हुआ रास्ता नहीं है, बिल्कुल खाली रास्ता है, सुनसान। और सुबह सुबह का टाइम है, 4:40 हो रहा है अभी। अगर कोई वाइल्ड एनिमल अगर होगा वो सड़क पे बैठा हुआ दिख सकता है। हालांकि कोई कॉल नहीं है, मैंने शीशा डाउन किया हुआ है, कॉल होता तो आवाज आ जाती है उधर। जागा हुआ हूँ, गाड़ी चलाया है और अभी करीब करीब 4:45 हो रहा है, और इस वक्त ध्यान से गाड़ी चलाना या आस पास देखना पड़ रहा है जंगल में, तो सर और भारी हो रहा है। स्थान है, माता का स्थान है, और यहाँ पर टाइगर देखा गया कई बार।
यहाँ अभी ठंड शुरू हो गया है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ओस की बूंदे जो है ना वो पेड़ों से गिर रहा है, नहीं गिर रहा है नीचे विंडशील्ड पे, मतलब ठंड है यहाँ पे। ऐसे भी हल्का हल्का शीशा खुला हुआ है तो ठंडी हवा आ रही है। टर्न ले ले क्या? हाँ, मैं भी वही कह रहा था। टर्न ले लेते हैं, आगे फॉरेस्ट एरिया है सारा। हाँ, टर्न ले लेते हैं, यहाँ से टर्न ले लेते से लौट रहे हैं। इस बार गाड़ी मैंने आगे रखी है ताकि जंगल का व्यू आपको दिखा सकूं। जंगल देखो कैसा रात वक्त दिखता है अंधेरे में, हालांकि रात नहीं है सुबह है, आधे घंटे में रोशनी हो जाएगी, लेकिन जंगल अंधेरे में अलग ही दिखता है। आसपास कोई गाड़ी नहीं है, गाड़ी लाइट पे जा रही है। सफारी की जिप्सी भी यहां से निकल रही है, निकालो जिप्सी और भी पीछे से आ रही है। ये आप लोग अभी नाइट व्लॉग नहीं, अर्ली मॉर्निंग व्लॉग देख रहे हैं। सुबह के 5:15 बज गए। मैं एक बार आपको टाइम भी दिखा देता हूँ, ये देखो साहब 5:16। ये अभी हमने कोसी बैराज क्रॉस कर लिया मैं, और अब रामनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ स्वेटर वगैरह नहीं पहना, मतलब बाहर इतनी ठंड नहीं है अभी। ठंड मुझे हल्की हल्की सी ठंड सी लग रही है। ये आम डंडा वाली सड़क आ गई, आम डंडा है हम लोग अभी, तो यहाँ से भी सफारी होती है। लेकिन अभी फिलहाल तो लोग रहते सफारी बंद है, आपने नवंबर से शुरू हुआ। इस वाली सड़क पर मैंने कई बार हाथी देखा है, कई बार देखा है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद, कल भी दिन भर ऑफिस था मेरा, पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद, दिन भर ऑफिस करने के बाद, अब जाके आंखें जो है भारी हो रही है, सर भी भारी हो रहा है, मन कर रहा है कि थोड़ा सा सो जाए। लेकिन अभी ड्राइव करके वुहान तक जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे बिल्कुल अभी सुबह होने वाली है, अभी बहुत ही अच्छे फुटेजेस आएंगे और पूरे चांस है कि वाइल्ड लाइफ वापस एक्टिव हो रहा होगा। ये वाला समय जो है ना खोना नहीं है, ये जानबूझ करके हम लोग इस टाइम पे आए थे ताकि ये वाले समय हम लोग रिकॉर्ड कर सकें। तो अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही है, समय हो रहा है 5:40। हालांकि कैमरा के लेंसेज में ज़्यादा ब्लू ब्लू स्काई दिख रहा है, खुली आंखों से मैं देख रहा हूँ तो अभी भी अंधेरा जैसा ही हो रहा है, लेकिन मैं भी कैमरा लेंसेज को देख के ही लग रही से यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। लेकिन देखो अभी ये आपको कैमरा लेंसेज में ऊपर ब्लू ब्लू जो दिख रहा है ना, खुली आँखों से देखो तो अंधेरा ही दिख रहा है अभी। और ये माता का मंदिर आ गया, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। ये अभी आया गर्जिया माता का टेंपल, ये गर्जिया माता मंदिर जाने का रास्ता मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये काफी वायरल हुआ था इसी जगह पे, इसी गेट के पास, यहाँ से टाइगर निकलता हो गया था सुबह सुबह, पंडित जी इसी टाइम पे जा रहे थे और उनको
टाइगर दिखा था। टाइगर बिल्कुल उनका सामने से निकल गया था, दिखा क्या था? यहाँ पे कहीं सीसीटीवी है इस गेट के पास, वहां से उस पर रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन अभी जंगल बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रहा है, सुंदर लग रहा है। मतलब बरसात में अच्छा लगता है, लोग कहते हैं कि बरसात में ज्यादा घना हो जाता है, सब कुछ आता है, लेकिन भाई उसकी अलग खूबसूरती है। ये धनगढ़ी गेट आ गया, ढिकाला यहाँ से 31 किलोमीटर है लेफ्ट हैंड साइड में। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वाले सीजन में मैं ढिकाला जरूर कवर करूँ। वो जगह पे टाइगर दिखते हैं क्रॉस करते हुए, कई बार लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है। मेरी गाड़ी की लाइट अभी भी जली हुई है, अभी मैं थोड़ी देर जला के रखूँगा, लेकिन रोशनी करीब करीब अब हो चुका है। ओ सामने देखो, ये आ गया सांबटिया। सांबटिया है, सारे सारे फीमेल्स हैं। नीचे उतर के आपको माहौल दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जहाँ मैं इस वक्त अभी खड़ा हूँ, ये गाड़ी मेरी पार्क है, और इस जगह पे ये टाइगर का क्रॉसिंग एरिया है, यहीं पे क्रॉस करता है। इनफैक्ट यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा हुआ है, पहले तो यहाँ पे टाइगर से बचने का एक बोर्ड लगा हुआ था यहाँ पे कि नीचे ना उतरे, लेकिन फिलहाल अभी हम नीचे उतरे क्योंकि हमारी दो गाड़ियाँ हैं, अभी गाड़ियाँ चल रही हैं, सुबह हो गया है, लेकिन फिर भी खतरा आता है। और ये टाइम है बिल्कुल टाइगर के वॉक करने का, कई बार टाइगर यहाँ से वॉक करता हुआ दिख जाता है इस जगह से। तो ये दो डियर तो ये है, यहीं पे इतने सारे डियर हम लोग कहाँ देख रहे हैं, दूर देख रहे हैं। ये तो मुहान हो गया उधर, वो सारा मुहाना है, और इधर चुकम गांव इधर हो गया इस तरफ के पीछे ना, ये वाले के पीछे पीछे, हाँ वो उसके उधर वहाँ पे। अभी उधर लेके चलते हैं, गया हूँ मैं उधर भी, गया उधर रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने। ओह इधर देख रहे हैं, देखो ओह यार ये तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है। चुकम गांव की तरफ जा रहे हैं मुहान से, शाह विला भी है यहाँ पे। शाह विला का मेरा ब्लॉग काफ़ी वायरल हुआ था जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे, आज से एक साल पहले अप्रैल के महीने में। और अभी मैं देख रहा हूँ कि साइड में यहाँ पे कोई बड़ा सा होटल बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में बाहर हो गया, और ये सामने जो है ये है शाह विला, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। बड़ा फेमस हुआ था ये, मतलब अभी भी है फेमस, अभी मुझे लगता है और बना लिया दीपक भाई ने। गाड़ी वाड़ी तो काफ़ी सारी लगी हुई है, बाहर बाउंड्री लगा ली है, बनवा ली है। बाकी पहले तो शाह विला के छत से ही साइटिंग वाइटिंग बना दी, ऐसा भी हुआ है, मैंने रिकॉर्ड किया है काफ़ी उसको। आगे मेरी एक बार गाड़ी फंस गई थी रात में उधर चुकम के पास, चुकम के पास नहीं इधर इसी तरफ। ये सारे ब्लॉग्स मैंने बना के डाले हुए हैं, शायद मैं बारिश का टाइम ही आया था मानसून के साथ, लास्ट ईयर मानसून के बाद। हालांकि ये भी बाघ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पैदल घूमना मना है। ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल। सामने नदी बह रही है, बहुत ही खूबसूरत नजारा सुबह सुबह का।
इस व्यू के साथ मैं आ गया हूँ अभी अपनी कार के अंदर और अब मैं सोऊंगा। मुझे आ रही बहुत तगड़ी नींद, रात भर मैंने गाड़ी चलाई है और अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो अब मैं कोशिश करूँगा सोने की, जितना हो सके सोने की ट्राई करेंगे और थोड़ी देर नींद निकालने के बाद फिर आपसे मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपने एक या दो जितने भी ब्लॉग्स देखे आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो डू सब्सक्राइब रोड नॉर्थ स्टार। फाटो बाकी है, अभी 10-11 बजे के आसपास हम लोग फाटो के अंदर जाएंगे। अगले ब्लॉग में मिलते हैं।